हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए लाई हूँ उड़द दाल के बड़ी बनाने की रेसिपी। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस रेसिपी को। यहाँ पर हमने उड़द की दाल ली और इसे एक बर्तन में डाल लिया है। हमें जितने बड़ी बनाने हैं तो हम उतनी क्वांटिटी में इसको दाल को यहाँ पर भिगो लेंगे। यहाँ पर दाल डाली और इसमें पानी से इसको भर लिया है। होल नाइट दाल भीगने के लिए रखी थी, दाल अच्छे से फूल गई है। अब इसे हम वॉश कर लेते हैं, दो तीन राउंड में इसको वॉश कर लेंगे और इसके जो छिलके हैं इनको हम फेंकेंगे नहीं। हमने दाल को वॉश किया और छिलके नहीं फेंके। अब हम इनको मिक्सी के जार में ग्राइंड करेंगे। दाल हमारी ज़्यादा है तो हम इसे दो से तीन बार में ग्राइंड करेंगे। तो दाल हमने डाल ली है। अब इसमें हमने हरा धनिया लिया है तो हरा धनिया डाल लेते हैं और मिर्ची तोड़ के डाल ली है, हरी दो मिर्ची डाल ली। अब एक चम्मच हल्दी पाउडर, मसाले वाली चम्मच है, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच जीरा, एक चम्मच अजवाइन और एक चम्मच गरम मसाले और एक चुटकी हींग डाल लेते हैं। अब इसे हम ग्राइंड करेंगे और पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। ग्राइंड करके लाए और ये इस प्रकार से हमारा मिक्सचर तैयार है। हमें इसे गीला नहीं करना है, एक्स्ट्रा पानी इसमें डालना नहीं है। जो पानी इसमें हमने भिगोने के लिए रखी थी, दाल फूली हुई है, उसी से हमें इसे ग्राइंड करना है। तीन राउंड में हमने दाल को ग्राइंड किया और एक बर्तन में डाल लिया है। अब इसे हम अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हमने एक बार में इसमें हल्दी और जो भी मसाले डाले थे एक बार में डाले थे। और यहाँ पर हमने इसमें नमक भी ऐड कर लिया है। नमक हम बड़े बनाते समय ही ऐड करते हैं, पहले ऐड इसलिए नहीं किया क्योंकि नमक डालने से जो हमारा मिक्सचर है वो गीला हो जाएगा। और इसे हमने अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसे बनाना करते हैं स्टार्ट। अब आ जाते हैं गैस पर, कढ़ाई रखी और इसमें डाल लेते हैं ऑयल। बड़े हम मस्टर्ड ऑयल में ही बनाते हैं क्योंकि इसी में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर हमारा ऑयल गरम हो रहा है और हम हाथ में बड़ी बनाते हैं। हथेली में हमने थोड़ा पानी लगाया और यहीं पर हम मिक्सचर डालकर बड़ी बनाएंगे। जितने बड़े हमको बड़े बनाने हैं उतना ही हम यहाँ पर मिक्सचर लेंगे। जैसे हमने ये मिक्सचर ले लिया और जिस उंगली से इसमें हम होल करेंगे उस उंगली को हम पानी में डुबो लेंगे और उसके बाद होल करेंगे और दूसरे हाथ से अच्छे से हम इसको बड़ी को निकाल कर कढ़ाई में डाल लेंगे। फिर से जब हम दूसरी बार इसको तैयार करेंगे तो हथेली में पहले पानी लगाएंगे और उसके बाद मिक्सचर को डालेंगे और इसे अच्छे से जितना हमें साइज में बनाना है उतना ले लेंगे और जिस उंगली से हमें होल करना है उसे पानी में डुबो लेंगे और पानी में डुबोने के बाद बड़ी में होल करेंगे और इसमें अच्छे से डाल लेंगे। पानी लगाने से हमारे जो बड़े होते हैं बहुत जल्दी हथेली से निकाल कर हम उसे कढ़ाई में डाल सकते हैं और आराम से इसे हम ऐसे ही बनाते रहेंगे। जिससे हमने हथेली में पानी लगाया, जितनी बार हम बड़े बनाएंगे उतनी बार हम हथेली में पानी लगाएंगे और हमें जिस साइज के बड़े बनाने हैं उसी हिसाब से हम यहाँ पर मिक्सचर लेंगे। तो हमने हर बार पानी लगाना है और हर बार उंगली को पानी में डुबोकर ही इसमें होल करना है। इस प्रकार से इसको उतार लेंगे दूसरे हाथ में और कढ़ाई में डाल लेंगे। ऐसे ही हम यहाँ पर सारे बड़े तैयार करेंगे और गैस को रख लेंगे मीडियम फ्लेम में। यहाँ हम हथेली पर बड़े तैयार करेंगे और उधर कढ़ाई में हम साथ ही साथ बड़ों को फ्राई भी करते रहेंगे। दो दो बड़े हम फ्राई करते रहेंगे और एक दो यहाँ से बनाते हुए उसमें डालते रहेंगे, इसलिए हमारे हाथ के हाथ बड़े भी तैयार हो रहे हैं और फ्राई भी होते रहेंगे। तो बहुत सारे लोग ऑयल लगाकर भी हथेली में बड़े बनाते हैं, पर मुझे लगता है कि ऑयल से ज़्यादा हम अगर पानी लगाकर बड़ी बनाएं तो बड़ी बनाने में ज़्यादा आसानी होती है। और ऐसे ही हम यहाँ पर सारे बड़े बनाएंगे। तो एक बार में हमारे बड़े फ्राई हो गए हैं और इन्हें अब निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमारे दो बड़े फ्राई हुए, हमने दोनों को निकाल लिया है और अब हम एक साइड से निकालते रहेंगे और एक साइड से बनाते रहेंगे। तो मैं आपको और भी अच्छे से यहाँ पर दिखाती हूँ कि मैं बड़े कैसे बना रही हूँ। तो हथेली पर मैंने पानी लगाया
और हमें जिस साइज की बनानी है उतना हमने मिक्सचर ले लिया और इसको प्लेन कर लिया। अगर हम नहीं भी करें तो भी वो जब फ्राई करते हैं तो अच्छे हो जाते हैं। और उंगली से इसमें हमने होल किया पानी लगाकर और इसे डाल लिया कढ़ाई पर। अब ऐसे ही हम बड़े बनाते रहेंगे और निकालते रहेंगे, यही प्रोसेस पूरी बड़ी बनाने में चलता रहेगा। अतिथि पर लेके बनाएंगे और फ्राई करेंगे, निकाल लेंगे और धीरे धीरे हम अगर बड़े बनाएं, एक बार में नहीं बन पाते हैं लेकिन अगली बार में हमसे अच्छे बन पाते हैं, ऐसे ही हमारी बड़ी बनाने की प्रैक्टिस अच्छी बन जाती है। तो इस प्रकार से हम सारी बड़ी तैयार करके कढ़ाई में डालकर निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर फिर से हमारी बड़ी जो है फ्राई हो चुके हैं और प्यारे लग भी रहे हैं, देखने में भी सुंदर लग रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि बनाते समय हम कैसे भी बनाएं लेकिन जब हम फ्राई करके ला रहे हैं तो बहुत अच्छा शेप भी आ रहा है और अच्छे लग भी रहे हैं और बड़ों के बीच में अच्छा सा होल भी हुआ है। तो फिर से हम ऐसे ही बड़ी बना लेते हैं। फ्रेंड्स, बड़ी बनानी बहुत आसान है लेकिन बहुत लोगों से नहीं बन पाते हैं, तो ऐसे ही हम बड़ी तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने फटाफट से सारी बड़ी बनाकर कर ली है तैयार। और अगर आपको मेरी वीडियो आती है पसंद तो प्लीज़ कीजिएगा लाइक, अपने फ्रेंड्स में शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।